मतदान की स्मार कवरेज में बड़ी अपडेट लखनऊ से है। वहां पर 11 बजे तक 21.42% मतदान होने की खबर है। लखनऊ जिले की सभी 9 सीटों पर मतदान चल रहा है और सुबह 11 बजे तक 21.42% मतदान हुआ है। लखनऊ जिले में एवरेज औसतन 9 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसका औसत है 21.42%। तो लखनऊ जिले में 9 सीटें हैं, अलग अलग हिस्सों में क्या है वोटिंग परसेंटेज, जल्दी से वो जान लेते हैं। मोहनलालगंज की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए 31.5% मतदान यहाँ पर हो पाया है। इसके अलावा आगे बढ़िए, बक्शी का तालाब में 21.6% मतदान हुआ। लखनऊ पूर्व की बात कीजिए, 22.8% मतदान हुआ है। मलिहाबाद में 18.5% मतदान हुआ। लखनऊ उत्तर पर भी नजर डाल लीजिए, 22.4% यहाँ पर मतदान हुआ। लखनऊ मध्य की बात कीजिए, 16.2% मतदान हुआ। और साथ ही आगे बढ़ते हुए लखनऊ कैंट की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, 18.9% मतदान यहाँ पर हुआ है। सरोजनी नगर बेहद हॉट सीट है, 22.8% मतदान यहाँ पर हुआ है। लखनऊ पश्चिम पर भी जल्द से नजर डाल लीजिए, 22.8% मतदान यहाँ पर हो पाया। अब देखिए अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 9 सीटें विधानसभा की यहाँ पर, अलग अलग हिस्सों में क्या है वोटिंग परसेंटेज प्रतिशत वो हमने आपको बता दिया। और लखनऊ से अधिक जानकारियों के साथ शैलेश अरोड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। शैलेश, ओवरऑल जो डेटा हम दे रहे हैं लखनऊ के अलग अलग हिस्सों का, वो अच्छा हम कह सकते हैं 11 बजे के लिहाज से, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल 21% से ऊपर मतदान हो चुका है सभी 9 विधानसभा में मिलाकर। लेकिन अगर बात करें तो जिला प्रशासन जो है वो अभी भी इसे कम मान रहा है उसने, क्योंकि जो लक्ष्य रखा वो रखा है इस बार 70 पार 80 पार का, यानी 70-80%। हालांकि पिछले सालों में 60% भी पार नहीं हो पाया है, तो ऐसे में वो कम मान रहा है। लेकिन वैसे उत्साह है उनमें भी, ये मान रहे हैं कि मतदान का जो प्रतिशत है 11 बजे के आंकड़े को देखते हुए उन्हें लगता है कि जो लक्ष्य पार होगा। बहरहाल एक तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं अपने दर्शकों को, जो शायद उनमें से अधिकतर लोगों ने पहले नहीं देखी होगी इस पूरे देश का। अपने आप में जो पहला ग्रीन बूथ है वो लखनऊ के एपी सेन कॉलेज में बनाया गया, और ये देखिए उसकी झलक। जब हम इस बूथ पर आते हैं पहले तो देखिए बूथ के बाहर का नजारा दिखाते हैं। ये आप हरियाली देख सकते हैं, रोड के दोनों तरफ सिर्फ पौधे लगे हुए नजर आएंगे, नगर निगम की तरफ से पौधे लगाए गए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम, पुलिस कमिश्नर भी निरीक्षण किया। दूर आप देख सकते हैं तिरंगे रंग के गुब्बारे और ये जो पर्दे लगे हुए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। पोलिंग बूथ के अंदर आप चलते हैं लेकर अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से खास है ये बूथ पूरा। आप अंदर की तरफ देखें, बहुत से लोग हैं, दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, जो ज़्यादा नहीं चल सकते, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स का इंतजाम किया गया है इस पोलिंग बूथ पर, यानी यहाँ पर जो आएगा निःशुल्क ये सेवा उन्हें मिलेगी। दूसरी चीज़ एक आपको दिखाते हैं झलक अपने दर्शकों को, लखनऊ की जो पहचान है, पुराने लखनऊ का जब जिक्र आता है तो वहाँ पर इमामबाड़े की भी बात होती है, घंटाघर की भी, और ये जो बग्घी आप देख रहे हैं इसकी भी। तो यहाँ पर ये बग्घी लगाकर एक झलक दिखाने की कोशिश की गई है। इस पोलिंग बूथ के अंदर हम अभी चल रहे हैं, आपको दिखाएं यहाँ पर पीने के पानी के लिए आजकल जो ट्रेंड है वो ये देखा जाता है, आरओ के पानी का इंतजाम किया जाता है। शैलेश, बेहद आकर्षक ये तस्वीरें हैं और प्रोत्साहित भी करती हैं मतदाताओं को वोट डालने के लिए। अलग अलग तरीकों से प्रचार किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ पश्चिम में एक जीवित शख्स का नाम वोटर लिस्ट में मृत लिखा गया। 85 साल के बुजुर्ग गुलाम कादिर के नाम के आगे मृत लिखा है। वोट नहीं डाल पाने के कारण बुजुर्ग अब नाराज है। सेंट मैरी पब्लिक कॉलेज में बुजुर्ग को अपना मतदान करना था, लेकिन जब वे वोट डालने पहुंचे तो नाम के आगे मृत लिखा था। एक और बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां मोहनलालगंज के पंचसरा बूथ पर हंगामा हुआ है। पंचसरा बूथ पर कांग्रेस के बूथ एजेंट की पुलिस से बहस हो गई। पंचसरा बूथ पर कांग्रेस के एजेंट्स को पुलिस ने बाहर कर दिया, जिस वजह से बहस हुई है पुलिस कर्मियों से। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से, और तस्वीरें भी उस बूथ की आपको दिखा रहे हैं। मोहनलालगंज के पंचसरा बूथ पर हंगामा हुआ है। पंचसरा बूथ पर कांग्रेस के बूथ एजेंट की पुलिस से बहस हो गई। कारण बताया जा रहा है कि कांग्रेस के एजेंट्स को पुलिस ने बाहर किया, हंगामा हुआ, उस दौरान की कुछ तस्वीरें। बूथ एजेंट को अगर कोई समस्या आ रही है तो वो जाके पूछ सकता है, तो आप उसको नहीं रोकेंगे? नहीं रोका है, इसीलिए उन लोगों ने हम लोग को बुलाया।
और चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं, लखीमपुर जिले में 11 बजे तक कितना मतदान हुआ है ये भी जान लीजिए। इसका जो प्रतिशत है ये है 26.29%। लखीमपुर जिले में 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत है ये। लखीमपुर जिले की 8 सीटों पर मतदान जारी है। बिल्कुल अनु, लखीमपुर जिले की 8 सीटों की बात हम करते हैं अलग अलग। लखीमपुर जिला अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। लखीमपुर खीरी विधानसभा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 26.29% मतदान यहाँ पर हुआ है। गोला की सबसे पहले बात कीजिए, 23.4% मतदान यहाँ पर हो पाया है। धौरहरा में 28.1% मतदान यहाँ पर हुआ। श्रीनगर की बात कीजिए, 22.8% मतदान यहाँ पर हुआ है। इसके बाद लखीमपुर में 28% मतदान हुआ, लखीमपुर सदर की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़िए जल्दी से और आपको आंकड़ा बताते हैं। मोहम्मदी की बात कीजिए, 29% यहाँ पर मतदान हुआ है ये देखिए। इसके अलावा पलिया में 24.3% मतदान हुआ, ये भी आपके सामने आंकड़ा है। कस्ता में 24.6% मतदान हुआ है, वो भी डेटा आपको बता रहे हैं। और निघासन में देखिए 30% मतदान हुआ है, 11 बजे तक का डेटा है। हालांकि 12:30 से ज्यादा का वक्त हो गया है, धीरे धीरे जो डेटा है वो आगे बढ़ता रहेगा। इसी पर सीधे आपको ले चलते निघासन से, हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। विवेक, अजय मिश्र टेनी वहां पर पहुंचे, मताधिकार का इस्तेमाल किया, वहां से रवानगी वो ले चुके हैं, मीडिया से बातचीत नहीं की। अभी क्या तस्वीर है आपके आसपास, वो जरा जल्दी से दिखाइए। देखिए प्राची, अभी इस समय हम लोग बाहर ही खड़े हैं अंबिका राइस मिल, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यहाँ अंदर बैठे हुए हैं। सुबह 7 बजे से चर्चा थी कि वो अभी आएंगे, वोट डालेंगे, फिर 7:30 बजे हुआ, फिर 8 बजे हुआ, और आखिर हुजूर आते आते इतनी देर कर दी कि यहाँ पर 12 बज गया। और 12 बजे जब वो आए हैं यहाँ पर तो अपना वोट कास्ट किया है, और ये सुरक्षाकर्मी आप देख रहे हैं बड़े CISF के हैं, और इनकी सुरक्षा घेरे में मंत्री जी इसी दरवाजे से बाहर निकले, ये हरा दरवाजा आप देख रहे हैं, और यहाँ पीछे के रास्ते से ये यानी इस पोलिंग स्टेशन का जो मेन मुख्य रास्ता है वो इधर से जाता है, इस सड़क से जाता है, मुख्य रास्ता उधर है, लेकिन ये पीछे के रास्ते से उनको ले जाया गया, और पीछे के रास्ते से वो अंदर गए और सीधे वोट कास्ट किया अपना, और वोट कास्ट करके वापस इसी रास्ते से चलते हुए पैदल यहाँ पर आके अपने राइस मिल में अंदर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में ये बताया जा रहा है कि वो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल कर यहाँ से सीधे लखनऊ या दिल्ली जाने की चर्चा है। वो अपने घर नहीं जाएंगे, यहाँ से सीधे लखनऊ जाएंगे या दिल्ली जाएंगे। और इस बीच आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों के बीच में ABP गंगा की टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, तो धक्का मुक्की हुई, काफ़ी मुजाहमत हुई दोनों के बीच में, और उसमें कई हमारे कैमरा साथियों को चोटें भी आई हैं, कई पत्रकार साथियों को चोटें आई हैं। और ये चूंकि सुरक्षा घेरा CISF का था, केंद्रीय सुरक्षा बल है, ये किसी भी तरह का अपने जो इनके गेस्ट होते हैं हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उन्नाव जिले में 11 बजे तक मतदान प्रतिशत क्या कहता है ये भी जान लीजिए। 21.27% उन्नाव जिले में 11 बजे तक वोटिंग हुई है। उन्नाव जिले की 6 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे। बिल्कुल, उन्नाव जिले में 6 सीटें हैं, और 6 सीटों में ओवरऑल आपने बता दिया 21.27% मतदान हुआ है, लेकिन अलग अलग हिस्सों की क्या तस्वीर है जल्दी से वो जान लीजिए। सबसे पहले उन्नाव सदर की बात कर लेते हैं, 17.5% मतदान यहाँ पर हुआ है। इसके बाद आगे बढ़िए मोहान की बात कीजिए, 23% मतदान यहाँ पर हुआ। भगवंत नगर में 21.9% मतदान यहाँ पर हो पाया है। सफीपुर पर भी नजर डाल लीजिए, यहाँ पर 25% मतदान हुआ है, ये 11 बजे तक का डेटा है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, पूर्वा की बात कर लेते हैं, पूर्वा में 22% मतदान हुआ है 11 बजे तक। और बांगरमऊ में भी 18.7% मतदान हो पाया है। ये ओवरऑल जो अलग अलग हिस्सों की तस्वीर है वो हमने आपके सामने रख दी है, और 11 बजे तक का डेटा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा शाम के 6 बजे तक वोटिंग फीसद में इजाफा होगा। उन्नाव की पूर्व सांसद और सपा नेता अनु टंडन ने राजा शंकर सहाय मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद अनु टंडन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आइए आपको सुनाते हैं। उन्नाव की पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनु टंडन ने अपना वोट डाल दिया है, वो हमारे साथ हैं। अनु जी, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश? मेरे ख्याल से जो मैं अभी कह रही थी, परिवर्तन की लहर दिखाई पड़ रही है, और किसान इतना परेशान है। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में अपना 19-20% शायद शहर में थोड़ा बहुत हो, लेकिन 80% ग्रामीण है, और उन लोगों के अंदर जो एक इच्छा है कि भाई अखिलेश यादव जी आएंगे तो उन लोगों के दिन भवरेंगे। आप परिवर्तन की बात कह रही हैं, परिवर्तन के लिए ऐसे कौन से मुद्दे होने जा रहे हैं जो जिन पे लग रहा है आपको कि नहीं इस बार आप BJP को हरा करके सत्ता में आई जाएंगे? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा जो हम देख रहे हैं वो किसान का है और बेरोजगारी का है। जो नौजवानों के साथ हालात हुए हैं उसको देखकर और जो किसानों के हालात देखकर
एक तरफा निर्णय दिखाई पड़ रहा है कि हमें ये वाली सरकार कबूल नहीं है और अखिलेश यादव जी आकर हमारी स्थिति को सुधारेंगे। किसान और रोजगार की बात कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आतंकवादियों के साथ। देखिए, ऐसा है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो इस तरह की बात कहना उनके लिए समझ में आती है। जब आदमी को हार दिखाई पड़ने लगती है तो इसके अतिरिक्त क्या बोल सकते हैं। चौथे चरण की जो आज 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें 50 सीटें बीजेपी के पास थी, टफ लगता है कॉम्पिटिशन काफ़ी? मेरे ख्याल से इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ और जो मैंने तीन चरण हमारे पहले के देखे हैं और सुना है और फ़ोन पे बात हुई है या संपर्क हुआ है, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है, हम लोग काफ़ी आगे हैं। उन्नाव से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। यूपी में आज चौथे चरण के लिए वोटिंग हो रही है, 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या है ये आपको बता रहे हैं। अब बात रायबरेली जिले की कर लेते हैं। 11 बजे तक यहां 21.41% वोटिंग हुई है। रायबरेली जिले की 5 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। कांग्रेस का गढ़ रायबरेली के अलग अलग हिस्सों की क्या है तस्वीर जल्दी से आपको बता देते हैं। 5 सीटों की बात करते हैं, देखिए कहां पर क्या स्थिति है समझिए। रायबरेली विधानसभा में 21.41% मतदान अभी तक हुआ है। रायबरेली में 22.8% मतदान हुआ, हरचंदपुर में 21.8% मतदान अभी तक हुआ है और सरेनी में 20.4% मतदान हुआ है। 11 बजे तक का डेटा है। ऊंचाहार में 19.9% मतदान हुआ, बचरावा में 22.8% मतदान हुआ है। ये ओवरऑल डेटा है अलग अलग हिस्सों का। रायबरेली शहर के SJS पोलिंग सेंटर पर 80 साल की बुजुर्ग महिला ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छड़ी के सहारे बुजुर्ग महिला का बेटा उन्हें पोलिंग सेंटर तक लेकर पहुंचा। उनसे खास बातचीत किया हमारे संवाददाता मोहम्मद मोहिन। रायबरेली में आज मतदान हो रहा है, मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग हैं वो भी मतदान करने के लिए यहां पर आ रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली के SJS पोलिंग सेंटर पर। लेकिन आप देख सकते हैं कि तकरीबन 80 साल की एक बुजुर्ग महिला है जो सुबह के वक्त वोट डालने के लिए आई हुई है, छड़ी का सहारा ली हुई है, परिवार के लोग उनके साथ हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आप इतनी उम्र में भी सुबह सुबह आई हुई है वोट डालने के लिए? हाँ भैया, डालने के लिए वोट आना है। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट डालती हैं आप? विकास भैया, विकास के मुद्दे पर। आप इनके बेटे हैं तो ये बताइए कि तकरीबन 80 साल की उम्र है, ये सुबह सुबह आई हुई हैं वोट डालने, क्या कुछ इन्होंने कहा जो आप इनको लिवा कर आए हुए हैं वोट डालने? अब देखिए, ये तो एक महापर्व है, ठीक है। बाकी रही वोट के लिए, तो विकास है, बेरोजगारी है, यही सब महंगाई के मुद्दे हैं जो लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं देश में। अब आपको सीधा हम लखनऊ लिए चलते हैं शैलेश अरोड़ा के पास, वो हमें बताएंगे कि वहां पर मतदान का क्या हाल है। शैलेश, क्या देख रहे हैं आप, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार मतदान जो है वो तेजी से जारी है और इस समय हम मौजूद हैं जिस पोलिंग बूथ पर, यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहले हमने एक झलक दिखाई थी जो ग्रीन बूथ की, उसी की एक झलक है और अंदर भी दिखाते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदाता जो है वो कतार में लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं जहाँ पर इस समय मतदाता जो है वो बड़ी संख्या में कतार में लगे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लगातार जो मतदाताओं की ये कतार है ये लंबी होती जा रही है। कुछ लोगों से बात भी करेंगे यहाँ पर चलकर हम राजन, क्योंकि निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व यहाँ पर, और ये जितने लोग यहाँ पर इस समय मौजूद आप देख रहे हैं ये इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं जिस तरह से। और ये देखिए बहुत से वॉलंटियर्स हैं, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर लोगों की मदद भी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपको किस बूथ पे जाना है, कहाँ पर आपको पोलिंग करनी है, इसके बारे में। देखिए तमाम लोग जो लगे हैं इनके पास चलते हैं, बात करते हैं इन लोगों से, जानते हैं क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आज ये लोग यहाँ पर वोटिंग के लिए आए हुए हैं। ये देखिए दो कतारें यहाँ पर लगी हैं, एक तरफ पुरुषों की और एक तरफ यहाँ आप देख सकते हैं महिलाओं की कतार भी लगी हुई है आगे की तरफ। यहाँ पर बात करते हैं इन लोगों से, जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जरूर शिवानी, ये बताइए आज किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना मतदान करें, हमें किसी पार्टी का नाम नहीं चाहिए, सिर्फ आपके मुद्दे। सबसे पहला तो एजुकेशन है, सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ। बिल्कुल शैलेश, अपने अपने मुद्दे लेकर मतदाता पहुंचे हुए हैं पोलिंग बूथ पर और इन सभी के मत भी हमारे सामने आ रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं पीलीभीत जिले का, यहां का वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक क्या कहता है ये जल्दी से आपको बताते हैं। 11 बजे तक यहां वोटिंग हुई है 27.43%।
पीलीभीत की 4 सीटों पर मतदान जारी है और यहां का वोटिंग परसेंटेज भी आपके सामने। पीलीभीत की 4 सीटें हैं, 4 सीटों में क्या कुछ हुआ है अभी तक वो जल्दी से जान लेते हैं। 4 सीटों में 11 बजे तक का डेटा क्या है पीलीभीत की, सबसे पहले बात करते हैं 26.2% मतदान यहाँ पर हो पाया है। बरखेड़ा पर भी नजर डालिए, 28% वोटिंग यहाँ पर 11 बजे तक का डेटा है। पूरनपुर की बात कीजिए, 29% वोटिंग यहाँ पर 11 बजे तक हो पाई है। इसके अलावा बीसलपुर पर भी नजर डालिए, 26% वोटिंग यहाँ पर हो पाई है, ये 11 बजे तक का डेटा है। और 1 बजने को है अभी तक अलग अलग हिस्से 4 विधानसभा सीटें और चारों के चारों में क्या स्थिति है वो हमने आपको बता दी। सनुज के पास आपको सीधे लिए चलते हैं, सनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, 11 बजे तक का ओवरऑल जो डेटा है वो हमने दर्शकों को बता दिया, आपके आसपास क्या तस्वीर इस वक्त अभी आप देख पा रहे हैं वो जरा दिखाइए और बताइए। देखिए, पीलीभीत में मतदाताओं का जो उत्साह है वो वाकई देखने वाला है। ये इस पोलिंग बूथ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ सुबह से ही मतदाताओं की जो कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और देखिए, पीलीभीत जिले की यदि मैं बात करूँ तो पीलीभीत में 4 विधानसभा सीटें आते हैं, पीलीभीत, पूरनपुर, बरखेड़ा और बीसलपुर। चारों विधानसभा सीटों पर कांटे का मुकाबला है, लेकिन चारों ही सीटों पर मतदाताओं का जो उत्साह है वो देखने वाला है। भले ही दोपहर हो गई है और लेकिन बावजूद इसके जो मतदाता हैं वो यहाँ कतारों में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 14,40,310 मतदाता हैं और 969 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। 43 प्रत्याशियों की किस्मत का आज यहाँ पर फैसला होना है। चार विधानसभा क्षेत्र है पीलीभीत के और आप वोटिंग की तस्वीर दिखा रहे हैं, कतार लगी हुई है वोटर्स की, अच्छी तस्वीर, दिलचस्प तस्वीर और इनकरेजिंग तस्वीर। तो बहुत सारे हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ स्टूडियो से भी हमारे तमाम सहयोगी आपको डेटा सेंटर से महत्वपूर्ण डेटा बता रहे हैं, ब्रेकिंग सेंटर से तमाम बड़ी खबरें बता रहे हैं और चौथे चरण की मतदान की ये महा कवरेज एबीपी गंगा पर लगातार जारी है। विजय दिलक।